मनोकामना पूर्ण हो चुकी है भाई, ये सब दुख दूर भाई, उनके हाथ पांव सब सही भाई, ऐसे उनके पांव पर कन्या जो आ रहा है। अब अभी कितनी बार आए वैसे माता? पांचवी बार है, सभी लोग पांच बार आज सब पांच बार है, एक जो दूजा नहीं रह गए के चार बार भाई, सब अपने और आ गए हैं। तो आपको आराम है? आराम ही है उनकी माता। तो क्या परेशानी थी वैसे? जो घटना ही पर आ रहा है और का है बस पर है, और आपने जो कुछ रोग दोगे सब दूर हो भाई। जैसे घुटने के अलावा और रोग दूर नहीं होते हैं क्या? चाहे कुछ बीमारी हो लेकिन यहाँ पर हो जाते हैं, और जब होने के बाद कन्या अवश्य की मतलब यहाँ पर कन्या खबर शायद कोई न जमाना चाहे तो नहीं होगा उनकी माता की जैसे जुआ चाहिए कन्या। हाँ मतलब जमाना अनिवार्य है, मनोकामना पूर्ण हो इसको कन्या जवान लगे, और बहुत माता को नियम है जब अपने अपने बोहे कन्या जमाओ तो माता ने गुंजाश जी की जमाने कन्या जमाओ तो धर्म को काम है। मतलब माता की ही महिमा है कि मतलब वो ही ऐसी इच्छा डालती है कि उन्हें कन्या जमाए और यहाँ पर आए सब। हाँ इच्छा है माता की, जैसे पहले यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ थी लेकिन अब क्या कारण हुआ कि यहाँ पर कम होने लगी पब्लिक कम आने? सब लोगों के मनोकामना पूरी हो रही है, कुछ आते रहे कुछ जा रहे, जिन जिनको पता चल रहा वो आ रहे हैं। मतलब जो जिनके पांच बार हो चुके वो नहीं आ रहे अब। वो नहीं आ रहे मतलब उनके रोग ठीक पूरी हो चुकी है। जैसे आपके रोग ठीक हो जाएंगे तो फिर आप भी नहीं आएंगे? आएंगे मतलब ऐसा थोड़ी भूलेंगे, थोड़ी ना माता है। जैसे अब तो आपके कष्ट दूर हो गए, अब नहीं आओगे क्या? आएंगे दर्शन करने, आएंगे दर्शन करने कभी कभार, मतलब जब माता ने बुलाया मन किया जब आ जाओ। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं और जितने लोगों से हमने बात की है और जितने लोगों से आगे करवाएंगे वो यही बताते हैं कि यहाँ पर जो भी आते हैं चाहे वो पहली बार आए चाहे पांच बार, यही बताता है कि यहाँ पर आराम लग चुका है। मतलब पहली बार आते हैं वो भी कहते हैं आराम लग चुका है, महसूस करने लगे। हाँ तो भाई साहब आप कहाँ से हो? हम चिरवारी से हैं। तो मतलब आप तो वैसी मतलब पता है कि यहाँ पर कौन कौन से वैसे रोग ठीक हो जाते हैं, जहाँ तक बड़े छोटे रोग बीमारियाँ हो? यहाँ तो कोई भी रोग हो कैसा भी आदमी हो कभी भी आए कभी भी जाए, यहाँ ना ही एक रुपये लिया जाता है ना ही कोई लेता है। तुम्हारी इच्छा पड़े तो चढ़ाओ, नहीं पड़े तो इच्छा मत चढ़ाओ, यहाँ पे रूल है। और यहाँ ये स्थान पहले ही से है, पहले से है। और लेकिन आप कह रहे कि कभी भी आए, मतलब क्यों? तो मतलब बुधवार और रविवार के दिन आते हैं लोग और दिन भी तो आते हैं, ऐसा नहीं है? ये तो यहाँ के लोगों ने एक खबर कही है, बोले यह तो और बुधवार मेला चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मैया का दरबार है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, सातों दिन उनके लिए बराबर है। ये तो गलत बात है कि एतवार बुधवार आओ। जैसे यहाँ पर कोई मतलब जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं अभी, यहाँ पर जैसे दुकान लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं कि कोई किराया या राया लगता? नहीं, कोई किराया नहीं लिया जाता है यहाँ पे, ना कोई लेता है। और तुम्हारे जितने बने यहाँ पे साफ सफाई पे रहो, अपनी गंदगी मत फैलाओ, मैया का दरबार में यहाँ गंदगी नहीं पसंद है। जब रहेंगे तो सफाई करके तो रहना ही पड़ेगा भाई, नहीं रहे यहाँ पे सफाई करेंगे तो कौन आएगा आपके दरबार में और कौन आएगा यहाँ आपकी दुकान पे? यार कुछ लेने कुछ भी हुआ तो कैसे आ सकता है बताओ? तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी दुकान भी नज़दीक से, तो यहाँ पर दुकान भी यहाँ पर कोई ना किराया लिया जाता है जो भी आते हैं, और यहाँ की दुकानें भी शायद ठीक चलती हैं। नहीं, दुकानदारी ऐसा आदमी है नहीं है, दुकानदारी नहीं चलती होती तो क्यों यहाँ टिका हुआ होता, यहाँ पे नहीं रहता, चला जाता वो अपने गांव। मैया के दरबार पे आते हैं लोग तभी तो दुकान चलती है, भीड़ भड़का होता है। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी भक्तजन आते हैं कृपया भीड़ भड़के से थोड़ी सावधानी से रहें, यहाँ पे थोड़ा लोका छपाड़ी अब होने लगी है, चोरा चपाटी भी होने लगी, कई लोगों के तो सिलेंडर चले गए यहाँ दुकान से। लेकिन गवर्नमेंट में जो पैसा जाता है तो पैसे ले जाते हैं गवर्नमेंट वाले, लेकिन सुविधा यहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं। लाइट की व्यवस्था दे दी, लाइट की व्यवस्था भर है और कुछ नहीं, लाइट की व्यवस्था है यहाँ पे, पानी के नल के लगना चाहिए,
मतलब यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था भी ठीक तरीके से नहीं है, मतलब एक ही नल लगा है। खाली पहले जो एक नल लगा हुआ था, एक ही नल लगा हुआ है अभी भी, और पैसा इतना जाता है, इतना जाता है गवर्नमेंट में, तो कम से कम दो चार नल के तो वैसे ही लगवा देना चाहिए सरकार को। मैं कह रहा हूँ तो बताओ आप। ठीक है, जब पैसा इतना जाता है यहीं से, मतलब जो भी यहाँ पर पैसा हम नहीं दे रहे हैं। हाँ। नहीं कोई दे रहा है, माता की कृपा से आ रहा है। ए माता का पैसा ही माता ही में नहीं लगाओगे तो कहाँ ले जाओगे? रहना तो चाहिए भाई यहीं, हमारे भक्त जन में पैसा लगना चाहिए। हाँ विकास हुआ यहाँ मंदिर का, तब तो मानेंगे। हाँ कोई गवर्नमेंट ले जा रही है पैसा, जितना पैसा आ रहा है वो सभी गवर्नमेंट में जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना भी नहीं गवर्नमेंट कर रही है अभी कि यहाँ पर नल मतलब पानी की व्यवस्था नहीं भक्त लोगों को ठीक से मिल रही है। तो भाई यहाँ के गांव के लोग भी तो कर सकते हैं, मत जाने दो गवर्नमेंट में। जैसे गवर्नमेंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो अपने यहाँ से चंदा लेके यहाँ से अपने गाँव वाले इकट्ठा करें, गाँव वाले अपने पैसों से नल का लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं से आए माता के यहाँ से या गवर्नमेंट दे। हमारे को तो खुशी की बात है, हमारे गांव में जो इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, हमारे को तो सब भागशाली का वो मिला है कि भाई सेवा करने का, मतलब कि माता की सेवा करने का भाग मिला है, भाग मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं कि ताकि मतलब यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो सके। यहाँ पर भाई ने बताई है कि यहाँ पर केवल एक ही नल लगा हुआ है और भक्त लोग काफी आ जाते हैं, चार चार पाँच पाँच लाख आदमी आते थे, दस दस लाख हमने खुद देखा, हमने अपने दरवाजे से भाई साहब निकल नहीं पाते थे, इतना जाम हरपालपुर तक जाम लगता था पहले। यहाँ पे सुविधा के कारण भीड़ कम गई है, मतलब कि यहाँ पर सुविधा नहीं थी, ठहरने की भी सुविधा ऐसी थोड़ी सी हल्की दी गई है, ज्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ व्यवस्था रुकने की हो, आने जाने की व्यवस्था अच्छी बनाई जाए। सड़क भी खराब है, लेकिन ऊपर वाली मेन सड़क बन रही है, बगल वाली नहीं बन रही है, इसको भी बनना चाहिए, क्योंकि दो चार रिक्शा भी पलटे हैं पहले, अभी ऑटो भी एक दो बार पलटी हैं। ये कहो कि माता के मैया की कृपा से कोई चोट नहीं आई किसी को ज़्यादा, रिक्शे भी पलट जाते हैं फिर भी माता की इतनी बड़ी कृपा है। यहाँ पर पथरिया माता का इस प्रकार से चमत्कार चलता है कि व्यक्तियों को खुरोच तक नहीं आती है, किसी को खुरोच नहीं आई भाई साहब आज तक तो हमने देखा ही नहीं कि कोई यहाँ से ऐसा। हमने बहुत से आदमी देखे हैं ऐसे सही होके गए हैं यहाँ पे, बहुत आदमी देखे मैंने, और कई लोगों से मैंने पूछा भी है, रोक के भी गाड़ी रोक के भी पूछा, भाई आप क्यों आए हो यहाँ पे, कैसे आए हो, तो उनसे भी पूछा हमने, तो बोले फलाने ऐसा आया मैं वैसा आया तो मेरे को आराम मिला। मैंने उनसे पूछा पहले, भाई आराम मिला है तुम्हारे को, वैसे ही आते हो पैसा लगा के अपना किराया लगा के? बोले नहीं भाई आराम मिला हमको, ऐसा था अब आराम है, मतलब पहले यहाँ फूलता था अब नहीं फूलता उतना, अब आराम है। हमने आराम है तो अच्छी बात है, तो हमारे को भी लगता है कि देखो हम गाँव के, किसी गाँव को ये नहीं है कि यहाँ पे सत्य है, लेकिन सत्य है, हकीकत में सत्य है। सत्य नहीं होता तो यहाँ पे भक्त जन इतना नहीं आता, और इतने दिन तक ये स्थान टिक भी नहीं पाता अगर सत्य ना होता तो। नहीं देखो यहाँ पे कोई पंडा तो बैठा नहीं है, कोई बता तो नहीं रहा, जो कुछ करना अपनी मर्जी से करो, जिसको जो कुछ करना अपनी मर्जी से करो, नहीं करना ये माता ये नहीं कहते तुम्हारे यहाँ ऐसा आके आओ वैसा करके आओ, नहीं तुम्हारी जैसे इच्छा बने तुम वैसे आओ, तुम तो आओ दर्शन करो, अपने जो मनोकामना है वो पूरी होगी तुम्हारी, आओगे तो वह होगी। हाँ सच्चे मन से आओगे तो होगी पक्का। तो देखिए यहाँ पर जितने अभी हमने काफी भक्तों से भी मिलवाया आपको और गांव के व्यक्तियों से मिलवाया, और देखिए यहाँ पर जो भी भक्त लोग बताते हैं कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आप को भी कोई परेशानी इस प्रकार की है तो एक बार पथरिया माता तक अवश्य आएं। धन्यवाद दोस्तों।